आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और शानदार गोला कबाब ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं वैसे तो ये बारबेक्यू डिश है लेकिन आप घर पर भी इजीली पैन में बना सकते हैं जो कि दावत में बहुत ही डिफ़रेंट और लजीज लगते हैं अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर अल्लाम रहीम मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर चेफ़ हफ्सा यूट्यूब चैनल आज की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा कर चुका तो अपनी किताब लफ में जो उसके पास अर्श पर मौजूद है उसने लिखा कि मेरी रहमत मेरे गु़स्से पर गालिब है ये सही बुखारी की हदीस है अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ चिकन का कीमा लिया है मैंने 1200 ग्राम आप मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं धनिया फ्रेश लिया है मैंने थोड़ा सा तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें काट कर फ्राई कर लिया है नमक लिया है मैंने वन टी स्पून मसाला पाउडर लिया है वन टी दो हरी मिर्च ली हैं और उन्हें काट लिया है अदरक और लहसन का पाउडर मैंने लिया है वन वन टीस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ लिया है मैंने वन टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है मैंने टू टेबलस्पून आप मक्खन भी ले सकते हैं दोनों का एक ही काम है लाल मिर्च पाउडर, पाउडर लिया है मैंने वन टेबलस्पून स्पून पाउडर लिया है मैंने वन फोर्थ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने वन टी स्पून चाट मसाला पाउडर लिया है वन टी स्पून लीम का रस लिया है मैंने टू टेबल स्पून कॉर्नफोर लिया है टू टेबल स्पून ये बाइंडिंग के लिए है अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं मैंने एक चॉपर लिया है अब हम इसमें कीमा डाल देते हैं आप मिक्सचर का भी यूज कर सकते हैं अब मैं प्याज शामिल कर दूंगी धनिया डाल देंगे कुकिंग ऑयल डाल देंगे नमक कॉर्नफ्लोर जीरा पाउडर लहसुन और अदरक का पाउडर लाल मिर्च पाउडर फूड कलर गरम मसाला पाउडर चाट मसाला पाउडर कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ हरी मिर्ची डाल दूंगी लीमू का रस शामिल कर रही हूँ अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं मिक्सचर रेडी हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं हमारा एक इंग्रेडिएंट रह गया था मैंने थ्री टेबलस्पून बेसन लिया है ये भी बाइंडिंग के लिए ही होता है अब हम इसे डाल देते हैं और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले गोला कबाब तैयार तो कर लेते हैं हम हाथों पे पानी लगा लेंगे ऑयल नहीं लगाना अब हम थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसे बॉल बना लेंगे आपने दोनों हाथों से इस तरह बॉल बनानी है बॉल बनाने के बाद हम एक सीख ले लेंगे और इसके ज़रिए से गोला कबाब में सुराख कर लेंगे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और निकाल लेंगे ये देखें कितना अच्छा गोला कबाब तैयार हुआ है जिनके पास सीख नहीं है वो चम्मच से तैयार कर सकते हैं इसका भी सेम ही तरीका है कीमा लेना है और उसे राउंड करना है अब एक स्पून ले लेंगे जो कि इस तरह का चपटा सा हो अब इसे बॉल से गुजार कर थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और गोला कबाब तैयार कर लेंगे ये देखें कितनी अच्छी कबाब की शेप आई है इसी तरह हम बाकी कबाब भी तैयार कर लेते हैं हमारे गोला कबाब फ्राई होने के लिए तैयार हैं अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है और उसे गर्म कर लिया है अब मैं इसमें कबाब डाल दूंगी हम कबाब को लो फ्लेम पे ही पकाएंगे दो से तीन मिनट एक साइड को पका लेंगे अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं आपने इसके एहतियात से साइड चेंज करनी है गोला कबाब को लो फ्लेम पे ही पकाना है जिसकी वजह यह है कि ये अंदर से अच्छे से पक जाए लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे, तो ये अंदर से नहीं पकेगा मैं इसी बीच में ढक के भी पकाऊंगी ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए अब मैं इसका ढक्कन उठा लेती हूं और इसकी साइड चेंज कर लेती हूं हम इसे फिर से एक मिनट के लिए लाइट फ्राई कर लेते हैं अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार और शानदार गोला कबाब तैयार हो चुके हैं ये देखें कितने सॉफ़्ट और जूसी बने हैं आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके आप इसे अपने बाबा के लिए भाई के लिए या लविंग हस्बैंड के लिए बनाएं उन सबको बहुत पसंद आएंगे और मेहमान तो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह ना रहना सकेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आप मेरे साथ पिक शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं जजाक खैरन कसीरा अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें असल वरहत लि